क्या आप जानते हैं जो नमक आप अपने घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं उससे 70 लाख लोगों की जान जा सकती है। इतना ही नहीं, नमक आपके लिए सफेद जहर बन सकता है जो आपके शरीर को अंदर ही अंदर खत्म करता है। ये हमारा नहीं बल्कि ये कहना है WHO का। दरअसल हर साल 14 से 20 मार्च तक विश्व नमक जागरूकता सप्ताह यानी कि वर्ल्ड सॉल्ट अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। इस मौके पर WHO ने एक डराने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बाद जाहिर है कि लोग नमक को जहर समझने लगेंगे। सही भी है, ज्यादा नमक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन WHO ने अपनी रिपोर्ट में जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है और डराने वाला है। WHO ने कहा है कि अगर अपने भोजन में लोगों ने नमक की मात्रा कम नहीं की तो आने वाले सालों में लाखों लोग नमक से होने वाली बीमारी का शिकार होकर मर सकते हैं। WHO की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादा नमक खाने से लोग कई बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर आने वाले 7 सालों में सिलसिले में जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो लगभग 70 लाख लोगों की नमक से होने वाली बीमारियों से मौत हो सकती है। दरअसल नमक में सोडियम और पोटेशियम मिनरल दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए ज्यादा जरूरी भी होता है। सोडियम हमारे शरीर में पानी का सही लेवल बनाए रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्वों को शरीर के ऑर्गन्स तक पहुंचाने में मदद करता है। इन महत्वपूर्ण मिनरल्स की वजह से नर्वस को एनर्जी मिलती है। शरीर में नमक की कमी होने से भी कई समस्याएं हो सकती हैं। अब ऐसे में आप ये देखिए कि जिस तरीके से नमक सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर ज्यादा नमक का सेवन किया तो ये हमारे लिए जहर का रूप भी ले सकता है। शरीर में नमक की कमी होने से कई सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे लो ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, कमजोरी, उल्टी आना, सीजर्स अटैक कर, ब्रेन और हार्ट में सूजन की वजह से सिर दर्द और कुछ मामलों में तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। नमक की कमी होने से शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है। ऐसा होने से कोलेस्ट्रॉल 4.6% तक बढ़ सकता है। दिलचस्प बात तो ये है कि WHO तो अब दावा कर रहा है कि नमक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने पूर्वजों की बात करें तो वो हमें बहुत पहले से ही कहते हैं कि नमक का सेवन कम से कम किया जाना चाहिए। भोजन में ऊपर से नमक के इस्तेमाल को लेकर तो साफ मनाही थी। यही वजह रही कि कई घरों और परिवारों में काला नमक या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब WHO नमक के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है, तो ये साफ हो गया है कि नमक हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। देखिए, ऐसे में इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? WHO की जो रिपोर्ट सामने आई है, आपका क्या ख्याल है इसको लेकर? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।